किसान साथियों, आज मैं एक बाग में आया हुआ हूँ। ये जो बाग है ये सहारनपुर से रामपुर जो हाईवे है, तो रामपुर से 4 किलोमीटर पहले नंदपुर गांव है। तो नंदपुर गांव के अपोजिट में ये बाग है इनका, बिल्कुल हाईवे पर। तो आइए मिलते हैं इनके जो मालिक हैं, रविंदर सैनी जी, उनसे मिलते हैं। रविंदर जी, जो किसान आपको देख रहे हैं, थोड़ा उन्हें अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम रविंद्र सिंह सैनी है और मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, और ये मेरा बाग है। इसमें 3 साल पहले प्लांटेशन कराया था मैंने, जो अमरूद का। इसमें 3 साल हो गए हैं और अब तक ना के बराबर ही फल आए हैं। जो बरसात में आए उनमें कीड़े लगते रहे जे, और अब सर्दियों के ये हैं, अभी भी इसमें फल नाम मात्र के ही हैं। तो डॉक्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट करी कि वो थोड़ा सा जो है मार्गदर्शन हमें दें कि इसको किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। और कॉस्टली पेड़ होते हैं, टाइम भी कंज्यूम होता है, हर चीज़ है। तो इसमें 3 साल में इतनी ज़मीन में से ना कोई आमदनी होना, तो इस वजह से डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करी है कि वो अपने मार्गदर्शन कुछ दें। रविंदर जी, ये बताइए, ये कितनी ज़मीन है आपकी जिसमें अमरूद लगा हुआ है? ये 6 बीघे ज़मीन है। 6 बीघे का मतलब है कि 1 एकड़ हमारे यहाँ पर 6 बीघे में 1 एकड़ होता है जी। अच्छा, इसमें आपने कितने बाई कितने पर अमरूद लगाया हुआ है? ये 10x10 फीट पर। 10x10 पर 450 पेड़ आपने लगाए होंगे जी। ठीक है जी, कौन सी वैरायटी लगाई है? इसमें 4 वैरायटी हैं, एक VNR है, लखनऊ 49 है, इलाहाबादी सफ़ेदा है, और KG1 है। KG1। किसान साथियों, यहाँ पर ये बात देखने की है कि अमरूद में हाई डेंसिटी सभी वैरायटी में सक्सेसफुल नहीं है। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो L49 है और इनका अलाहाबादी सफ़ेदा है, वो हाई डेंसिटी को सपोर्ट नहीं करते हैं। एक इन्होंने बताया 1 KG और एक बताया VNR। VNR को हम लगा सकते हैं हाई डेंसिटी पर, लेकिन उसके लिए आपके लिए ड्रिप होना चाहिए, क्योंकि उसकी माइक्रोन्यूट्रेंट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, उसका मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है। तो मेरे हिसाब से पहली गलती इनसे ये हुई कि इन्होंने इसे हाई डेंसिटी पर लगाया और इतने थोड़े क्षेत्र में इन्होंने 4 वैरायटी लगा दी उसमें। कितने साल पहले लगाया था ये? ये 3 साल हो गए हैं। 3 साल में आपने अब तक, अगर हम इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ज़मीन की उसको लेते हैं, तो हमारे यहाँ 6 से 7 हज़ार रुपये बीघा मिल जाती है आराम से। हाँ जी, वो एक साल की 7-8 हज़ार, चलो हम 7 हज़ार रुपये मानकर चलते हैं। तो एक साल के बिना कुछ करे धरे अगर किसी को ज़मीन दे दी जाए, तो वो आपको 42 हज़ार रुपये आपको पेमेंट कर देगा। अब आपने इसके पेड़ों में कितना खर्चा किया, थोड़ा वो बताइए पहले। तो पेड़ में लगभग 20-25 हज़ार के करीब का खर्चा हो चुका है। नहीं, मेंटेनेंस में तब से अब तक जी, तो वो तो ना के बराबर है। 3 साल में 25 हज़ार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, पेड़ कितने के लिए थे आपने? पेड़ इसमें 130 का भी था, 100 का भी था पर पौधा। VNR 130 के अराउंड था, 100 के अराउंड बाकी ये है L49, KG1 और इलाहाबादी सफ़ेदा। रफली हम 80 रुपये का एक पौधा मानकर चलते हैं, तो भी आपका 35 से 40 हज़ार रुपये के पौधे लिए जी। अच्छा, ये किसने सलाह दी कि आप इसने 10x10 पर लगा लो? ये नर्सरी जहाँ से परचेज करे हैं, नर्सरी से उन्होंने ही सलाह दी थी ये जी। साथियों, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि हाई डेंसिटी से किसान, तो मैंने अभी तक कोई मालामाल होते नहीं देखा, लेकिन नर्सरी वाले ज़रूर मालामाल हुए हैं।
क्योंकि जहां पर उनके 200 पौधे बिकने थे वहां पर उनके 450 पौधे बिके हैं आराम से। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि किसान इल्यूजन में जीते हैं, वो एक स्वप्न में जीते हैं, उन्हें स्वप्न दिखाया जाता है नर्सरी वालों द्वारा अधिकतर। तो जब भी आप बाग लगाने जाएं तो किसी आसपास ये जरूर देख लें कि केवल सफल किसान के बाग मत देखें, कुछ ना कुछ किसान ऐसे भी मिलेंगे जो कि इसमें असफल हुए हैं, इन्हें आज तक इससे कोई आमदनी नहीं हुई, जिसे बाग दे रखा है उससे कोई पैसा नहीं मिला, क्योंकि फसल ये कंट्रोल नहीं कर सके। इनका आप देखिए मैनेजमेंट देखेंगे अगर आप तो 10x10 पर ये हालत है, न कोई इनकी कटिंग हुई उस हिसाब से 10x10 पर, तो पौधे ऊंचे चले गए और ये आपस में इतने मिल चुके हैं कि अब इनको फसल लेना बहुत ही दुश्वार हो गया है। ये देखें कितना बड़ा पौधा है, अब इसकी अगर आप गहरी कटिंग करेंगे तो ये फल नहीं देगा, और अगर हल्की कटिंग करेंगे तो ये फल तो देगा, लेकिन आपस में इतने घुस जाएंगे कि पौधे को न संपूर्ण रूप से इसमें धूप मिलेगी सही रूप से, न हवा मिलेगी, फंगस का अटैक होगा, बीमारी अधिक आएंगी। और ये देखें जुताई, इनकी जो गुड़ाई उड़ाई है ये कभी भी नहीं, बहुत दिनों पहले कभी की होगी, देखिए क्या हाल हो रहा था। ये देखिए टहनियों को, जिन पर छाया नाम ही हमेशा रहती है, ये क्या हाल हो गया। अब इसमें बहुत ड्रास्टिक डिसीजन लेने पड़ेंगे कि हम इस बाग को किस प्रकार से सुव्यवस्थित करें। इस वीडियो को दिखाने का मेरा तात्पर्य आपको केवल ये था कि कभी भी किसी भी फसल में, किसी प्रकार की बागवानी में, चाहे वो अमरूद की हो चाहे नींबू की हो, तो इसमें मैथमेटिक्स नहीं चलता, यानी 2+2=4 नहीं होते। ये नहीं है कि आपका एक पौधे से इतना फल आ गया, अगर आप 100 पौधे लगाओगे तो 10 क्विंटल फल मिलेगा, और उतनी ही दूरी में 200 पौधे लगाओगे तो उसका डबल हो जाएगा यानी 400 क्विंटल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर हाई डेंसिटी पर लगाना है तो उसमें वैरायटी का चुनाव सही करना बहुत आवश्यक है। ये इनके यहाँ एक इनके केयर टेकर हैं, क्या नाम है भाई आपका? मेघपाल सिंह। अच्छा मेघपाल जी, ये बताइए आपका क्या देखा आपने 3 साल में यहाँ पर? 3 साल में? हाँ 3 साल में देखा कि जो बुआई भी करवाई, पहले से सारा काम करवाया, बीज खाद भी गिरा इसमें, उगाई भी करवाई, लेकिन फल नहीं मिला। फल नहीं मिला आपको? अभी तक एक भी फसल नहीं ली? रविंदर जी आप सहमत हैं इनकी बात से कि अब तक कोई फसल नहीं मिली? बिल्कुल सहमत है। अभी आपने सुना रविंदर सिंह सैनी जी को, और ये बाग देखकर मुझे तो बहुत दुख हुआ कि 3 साल से अगर ये गेहूं या कोई और भी फसल कर लेते तो अच्छा होता। तो इसलिए कभी भी मैं बार बार कहता हूं, मैंने एक सीरीज भी बनाई थी कि बाग लगाने से पहले आपको ये देखना चाहिए क्या तैयारी करनी चाहिए, अच्छे पौधे लेने चाहिए, और इतने पास में सब वैरायटी मत लगाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूरी में 2 वैरायटी लगानी पड़ती, और ये देखिए कि आपके आसपास कौन सी वैरायटी अच्छी है और कौन सी अच्छी बिकती है, जिसकी बिक्री है। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।